अच्छा मैंने कल थोड़ा सा अपने लिए मेहनत कम की। क्यों? एक ही साथ 5 स्टॉक एक खबर पे। खबर? हाँ मैंने देखा वो फर्टिलाइजर। क्या खबर? एक्चुअली खबर ये आरसीएफ दिखाई, स्टॉक दिखाई आप, आरसीएफ, एनएफएल, फैक्ट, मद्रास, सरकारी कंपनियों के लिए खास तौर पे फायदा है। दरअसल क्या है कि अपने फर्टिलाइजर में काफी मात्रा में इंपोर्ट की जाती है, तो प्राइस की वजह से, लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से महंगी पड़ती है और सरकार की सब्सिडी का बिल बढ़ता है। मतलब जो चालू वित्त वर्ष है उसमें 1.5 लाख करोड़ की सब्सिडी गई है, ये कंसर्न की बात। अब अगले वित्त वर्ष में उन्होंने 65,000 करोड़ का प्रोविजन किया है, तो इसको मतलब बनाए रखने के लिए, सब्सिडी का बोझ कम पड़े, सरकार जो है रशिया के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने की तैयारी कर रही है। और इसके लिए जो मंडाविया जी हैं वो इस महीने के अंत तक या मार्च में विजिट करेंगे और वहाँ से इम्पोर्ट के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इससे प्राइस स्टेबलाइजेशन होगा, कंपनियों के लिए इनकी कॉस्ट कम होगी और सब्सिडी देर से मिलती है या कई बार नहीं मिलती है, या अलग अलग जो NPK वाले फर्टिलाइजर्स हैं उनको प्राइसिंग में बहुत इशू हो जाता है। तो ये इन कंपनियों की मदद के लिए बहुत ही जबरदस्त ये प्लान है। खबर पढ़िएगा आप, रॉयटर्स ने अपने में एक्सक्लूसिव करके खबर चलाई है कि वो एक 3 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं रशिया के साथ, जिसमें प्राइस स्टेबलाइजेशन आएगा, भारतीय कंपनियों के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है और इसमें DAP, पोटास, ये सब जो है इन सबको खरीदा जाएगा। एनुअली 10 लाख टन के आसपास DAP खरीदी जाएगी, 8 लाख टन पोटास खरीदी जाएगी और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जिसको DAP NPK कहते हैं वो सब खरीदा जाएगा। मुझे लगता है इसकी वजह से जो सरकारी कंपनीज हैं उनको तो जबरदस्त गेन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छी होगी, इसलिए हमने इसमें चंबल भी डाल दिया है। लेकिन मद्रास फर्टिलाइजर, फैक्ट, NFL और RCF के लिए बहुत अच्छी खबर है, और मद्रास के लिए ज़्यादा अच्छी इसलिए है कि मद्रास की सरकार चाहती है कि इसको प्रॉफिटेबल बना दिया जाए, उसके बाद फिर इसका वो एक प्लान लंबा है कि मर्जर वर्जर करेंगे। तो मद्रास फर्टिलाइजर पर खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, हो सकता है जैसे भी हम लोग कहते हैं ना कि बड़ा अंदाज़ा रहता, तो फर्टिलाइजर कुछ दिनों से खूब चल भी रहा था, बजट से पहले भी आप देखिए खूब बढ़िया मोमेंटम रोज आता था इसमें, तो शायद कहीं ना कहीं बाजार को इस बात का अंदाज़ा है कि सरकारी सेक्टर के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। 6th स्टॉक है मेरा।